हेलो गाइस, वेलकम चैनल अगेन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बड़े होंगे। हम आपके लिए एक और गेम प्ले वीडियो लेके आ चुके हैं, अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ GTA 5। चलो गाइस, चलते हैं हम सीधा बैनी के पास। जैसे कि आप लोग जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने गाड़ी चुराई थी, जिसमें पुलिस ने हमारी ऐसी तैसी कर दी थी। बहुत मुश्किल से हमने वो गाड़ी चुराई थी, यहाँ पुलिस पुलिस से बच के यहाँ पर। तो भाई, जब सीधा बैनी के पास चलते हैं, उसने कैसी मॉडिफाई करी, चल के देखते हैं हम। क्या कहते हैं, कैसी मॉडिफाई करी, अच्छी करी है, बेकार करी है? बैनी ने पैसा भी नहीं मांगा उस मॉडिफिकेशन का। उसने कहा फ्री है, बस आप गाड़ी लेके आ जाओ। तभी समझ गया था मैं गाड़ी किसकी है। वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी की थी गाइस। चलो गाइस, माफ कर लेते हैं बैनी की शॉप, और फिर फटाफट से बैनी की शॉप पे पहुंच जाते हैं हम। तो गाइस, मैं बता रहा था बहुत बड़े सेलिब्रिटी की थी वो गाड़ी, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस पड़ी, आप लोगों ने देखा ही होगा वीडियो में, कि बस बहुत मुश्किल से बचे। उन्होंने लगभग पकड़ ही लिया था मेरे को, काफ़ी नियर आ चुके थे मेरे को। चलो भाई, हम पहुंचने ही वाले हैं लगभग बैनी की शॉप पे। उम्मीद करते हैं उसने बढ़िया है, क्योंकि पहचान में ना आए किसी को गाड़ी, जो बाद में कुछ दिक्कत ना पड़े पुलिस की। कहीं पुलिस बाद में पहचान ले तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी गाइस। भाई हर जाना आगे से, ये बीच में टैक्सी वाले इंडिया में चलाते ही ऐसे ही, तो बाहर है फिर भी इंडिया में ऐसे ही चलाते हैं टैक्सी वाले, कोई ईमान धर्म नहीं उनका चलाने का। तो गाइस, हम लगभग बैनी की शॉप पे पहुंच चुके हैं। चलो देखते हैं गाइस, बैनी ने क्या मॉडिफाई किया है। बड़ी एक्साइटमेंट है मेरे को। अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं फटाफट से, और एक्साइटमेंट को बरकरार रख के गाड़ी देखने चलते हैं। ओह, बैनी हमारे वेट में ही था, मैंने फ़ोन पे किसको बता दिया। चलो गाइस, बैनी से बात कर लेते हैं क्या कहता है। हाँ जी सर। तो गाइस, बैनी ने बताया हमारी गाड़ी आ चुकी है बाहर, मंगा दी है उसने गाड़ी। तो हम गाड़ी देख लेते हैं उसने कैसी मंगा। ये शायद, हाँ ये रही हमारी गाड़ी राइट में। कलर तो भाई बहुत बढ़िया ही चूज़ करा है इसने, मतलब लुक तो इसने काफ़ी बदल दी है। बाकी गाइस, आपको दिखाते हैं अभी गाड़ी कैसी है, एक बार बैक कर लेता हूँ मैं। ओह, रेड लाइट हो भाई, क्या लग रही है, अलग ही लुक लग रहा है इसका। तो मतलब रेड थीम दी है इसको, इसने गाड़ी ने, गाड़ी को इसने रेड थीम दी है बिल्कुल प्रॉपर। तो गाइस, आपको दिखा देते हैं एक बार स्टेबल खड़ी करके गाड़ी को। गाइस क्या डेविल आइज लग रही है इसकी, लाइट देखिए आप, डेविल लग रही है बिल्कुल। और रेड रेड वाइन कलर का इसका कलर है गाड़ी का। नियॉन लाइट भी गाइस इसकी ब्लूइश थी इसने। और इंटीरियर गाइस, क्या ही इंटीरियर, इंटीरियर भी बदल दिया मैंने, कुछ नहीं छोड़ा जो पहचान में आ जाए किसी को, मतलब अलग ये है। स्पीड देखिए आप कैसे उठ रही है गाड़ी, मतलब पिकअप भी एक नंबर, इंजन भी काफ़ी अच्छा कर दिया है उन्होंने। तो गाइज, हम आज चलते हैं सीधा सिमियोन के पास। अब मैंने एक सरप्राइज़ प्लान किया है माइकल के लिए, माइकल के लिए एक गाड़ी परचेज़ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उसके पास कोई लग्जरी गाड़ी नहीं है, सिंपल गाड़ी है उसके पास बेचारे की। तो गाइज, अपने पास पैसा पड़ा है, दोस्त है अपना, तो उसके पास चलते हैं सीधा सिमियोन के पास। चलो गाइज, सिमियोन को मैंने फ़ोन करके बोल दिया था, उसने कहा था मेरे पास एक गाड़ी है, तो देखते हैं कहाँ खड़ी है। पैरालाइज करके मैंने इसको पैरालाइज जगह अपनी गाड़ी खड़ा कर दी। तो गाइस देखते हैं कहाँ बताता है वो गाड़ी कहाँ पे है इसकी, फिर वो गाड़ी देखने चलते हैं हम। तो गाइस, सिमियोन से हमारी बात हो चुकी है, उसने मेरे को बता दिया है कि गाड़ी कहाँ पे खड़ी है। गाड़ी ये कह रहा है इसकी शॉप के बैक साइड में खड़ी है। तो गाइस, हम फटाफट से इसकी शॉप के बैक साइड में चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। देखते हैं कौन सी गाड़ी है, क्या कैसी कंडीशन में है, कैसी है। बाकी काम तो इसको करना ही पड़ेगा नई गाड़ी पे भी। चलो भाई, देखते हैं पीछे चल के कैसी कौन सी गाड़ी खड़ी है। गाड़ी तो अच्छी लग रही है देखने में, मतलब एक नंबर लग रही है गोल्डिश लुक में। रोल्स रॉयस खड़ी कर रखी है यहाँ पर भाई, फेवरेट गाड़ी है मेरी, पर्सनली फेवरेट है, मतलब मस्ती लग रही है। कलर भी, कॉम्बिनेशन भी एक नंबर लग रहा है, मतलब लेस्टर को क्या कहते हैं, सिमियोन काम का बंदा तो है, सिमियोन ऐसे नहीं है। बढ़िया लगी मेरे को। चलो भाई, इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं हम एक बार, कैसी चलने में कैसी है। लुक तो मुझे पास लग रहा है गाड़ी का, लुक तो सही पसंद आ रहा है मेरे को। बाकी गाइस, लग्जरी गाड़ी है, ऑटो गाड़ी, बिल्कुल ऑटो इंजन गाड़ी है। और ये देख सकते हैं आप, साइड मिरर यहाँ पर ऑटो शिफ्ट है, गाड़ी ऑन होते ही साइड बटन, ओ साइड मिरर अपने आप ओपन हो रहे हैं, एंड रॉल्स का भी साइन अपने आप निकल के आ रहा है। चलो भाई, इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं अब फटाफट से।
पिकअप तो काफी ठीक लग रहा है मेरे को गाड़ी को, बाकी तो मॉडिफाई करा के वो ठीक करा लेगा माइकल, मेरा काम है गाड़ी गिफ्ट करना। लेकिन बाकी स्पीड भी ऐसी नहीं है कि जो चला नहीं सकता मॉडिफाई के बिना, लेकिन चला सकता है, बढ़िया लग रही है मेरे को गाड़ी। तो गाइस हम इसको फाइनल कर लेते हैं, सिमियन को बोल देते हैं कि इसको माइकल के घर पे भिजवा देगा, मैं माइकल के घर चलता हूँ, डायरेक्ट सरप्राइज देंगे उसको वहाँ जाके। सिमियन कह रहा है इसमें थोड़ा सा भी काम कराना है, टचिंग वचिंग उसको करानी है इसमें अभी, और शाइनिंग वाइनिंग और इंटीरियर पार्ट का थोड़ा काम करा के उसको भेजना है। तो गाइस उसको थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम ये गाड़ी खड़ी करके हम सीधा चलते हैं माइकल के घर पे और वेट करते हैं सिमियन कब गाड़ी भेजता है। तो गाइस फटाफट से अपनी गाड़ी में बैठते हैं, मस्त गाड़ी हमारी मॉडिफाइड है, ऐसी बात नहीं है, एक नंबर गाड़ी है हमारी। माइकल को जलन ना हो इसलिए हम इसको गिफ्ट कर देते हैं, फिर फालतू में जल जाएगा मुझे। तो गाइस फटाफट से माइकल के घर पे चलते हैं, गेट खोल भाई, माइकल का गेट खुलवाते हैं। चलो भाई ऑटोमेटिक गेट खोला जाए, अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और सिर्फ सिमियन का वेट करते हैं कब वो गाड़ी भेजता है। गाइस बहुत देर हो गई, दिन से रात हो गई वेट करते करते। सिमियन कह रहा है अब गाड़ी का काम खत्म हुआ, मैं बाहर ही वेट कर रहा था कब से। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं गाड़ी हमारे सामने खड़ी है, अलग ही शाइनिंग मारते हुए, मतलब रात में तो कुछ अलग ही लग रही है गाड़ी, चमक मार रही है। अभी तक तो नंबर भी नहीं आया इस गाड़ी का, आप देख सकते हैं बैक साइड पर नंबर भी नहीं डला इस गाड़ी का अभी तक, बिल्कुल न्यू ब्रांडेड कार आ चुकी है। माइकल को मैंने बुला लिया है बाहर, माइकल आ रहा है। माइकल भाई बहुत खुश हुआ है गाइस, उसका रिएक्शन आप देख ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा थैंकफुल है हमें। तो और साथ साथ में लेस्टर भी खड़ा है, तो उसने बताया कि लेस्टर ने एक प्लान बताया कि ट्रेवर का बदला लेने का मौका मिला है बेलास गैंग से हमें, तो उसके लिए हमें पहले ट्रक लाना पड़ेगा गाइस। ट्रक की लोकेशन भी लेस्टर ने हमें बता दी है कहाँ से लानी है, तो गाइस उसके लिए ट्रक लाना पड़ेगा। बेलास गैंग का बहुत सारा गोल्ड एंड मनी कहीं पर उन्होंने स्टोर किया हुआ है चोरी का, तो गाइस वो हमें चुराना है उनको, बंदों को मार को। लेकिन हाई सिक्योरिटी है, हमें लेस्टर ने सारा कुछ बता दिया, सारी लोकेशन हमें दे दिया, लेस्टर का काम अब लेस्टर कर चुका है, और हमारा काम है ट्रक लेके आना सबसे पहले, जिसके अंदर हम वो सारा माल लोड कर सकें। तो गाइस उसके लिए पहले हमें चाहिए एक चोरी की गाड़ी, फटाफट से यहाँ से लूट लेते हैं, कोई रोकने को राजी नहीं है। चल भाई रोक ले, ये भी नहीं रोकेगा, इसे रोक लेते हैं गाइस, इसे रोकते हैं। चलो चलो भाई भैया बाहर आ जाओ। तो गाइस अब चलते हैं, हमने गाड़ी भी लूट लिया, फटाफट से हम ट्रक को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। काफ़ी दूर लोकेशन बताई है ट्रक की भी लेस्टर ने, कह रहा है कि वहाँ पे उसके जानने वाले भी ट्रक्स का काम है, तो वहाँ से हम लेके आ सकते हैं। अब हमें सीधा सीधा वहीं पे चलना है। तो गाइस लगभग हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे लोकेशन, और ट्रक भी मेरे को दो दिखाई दे रहे हैं खड़े हुए, देखना पड़ेगा गाइस कौन सा है इनमें से जो हमें लेके जाना है और जो हमारे वर्थफुल है, काम का है हमारे। तो गाइज ये तो लग नहीं रहा मेरे को, यही वाला लग रहा है कवर्ड वाला जो ट्रक है, फुल बुलेट प्रूफ ट्रक लग रहा है मेरे को देखने में। तो गाइज इसमें तो मस्त आ जाएगा, जितना भी होगा सोना सब आ जाएगा, बाकी हम कंधों पे लाद लाएंगे। तो गाइज हम इसे लेके चलते हैं, बड़ा मुश्किल है इसको चलाना, वो भी ऐसे रास्तों पर, रेतीला रास्ता और इतना भारी है ना पीछे से, मोड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसको, यहाँ से कैसे मुड़ेगा भाई तू, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ये मोड़ना नामुमकिन जैसा हो रहा है गाइज, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है इसको मोड़ना, जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे इजी नहीं है इसको चलाना। तो गाइस अब हमें सीधा लेके माइकल के घर पे जाना है, उन दोनों को साथ लेके जाना, और माइकल को मैंने बोल दिया था ड्राइवर को बुला ले, वहाँ पे ड्राइवर भी आ चुका होगा शायद, अभी तक पता नहीं ड्राइवर का, ड्राइवर आया है या नहीं, उम्मीद करते हैं आ गया होगा ड्राइवर। फिर उसके बाद गाइस हमें सीधा उनके वहाँ पर जाना है गोडाउन पर, जहाँ पर उन्होंने सारा कुछ छुपा के रखा हुआ है चोरी का माल, और फिर उनके बंदे देखने कितना क्या हिसाब है। तो गाइज हम अब आ चुके हैं माइकल के घर के बहुत पास, फटाफट से हम माइकल के घर लेके चलते हैं और वहाँ से गाड़ी उठा के सीधा चलते हैं वहाँ पर, और देखते हैं क्या है आगे जाके, पहले इसको अंदर लेके चलते हैं, पार्क कर देते हैं। कितना मुश्किल है इसको मोड़ना, बहुत ध्यान से मोड़ना पड़ रहा है, वरना मैं तो झटाक से मोड़ देता हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है इसको अंदर मोड़ना मेरे को। चलो गाइज ये तो हो गया गाइज पार्क, अब हम चलते हैं माइकल और लेस्टर के पास, देखते हैं ड्राइवर आया है या नहीं आया है। तो गाइस जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ड्राइवर भी इनके साथ ही खड़ा है। तो गाइस हम चारों इकट्ठा हो चुके हैं, अब लेस्टर कह रहा है मैं भी जाऊँगा इस मिशन पे, मेरे को भी बदला लेना है ड्राइवर का, वरना लेस्टर को खाली लोकेशन बताने का काम है। तो गाइस लेस्टर ने कहा है ड्राइवर को भी, ड्राइवर आप ट्रक लेके आओ, ड्राइवर को ट्रक लेने का काम दिया है, और यहाँ पर हमें कहा है कि एक गाड़ी और ली जाए, क्योंकि चोरी की गाड़ी जाएंगे, अपनी गाड़ी का नुकसान नहीं करते हम। तो गाइस फटाफट से हम इसको बाहर फेंकते हैं, चलो भाई बाहर आ जाओ, चल कच्चेदारी बाहर निकल,
ऐसी की तैसी तेरी। चलो गाइस अब हम चलते हैं सीधा लोकेशन पे जो हमें लेस्टर ने बताई है। लेस्टर ने क्या बताया, लेस्टर आज साथ खुद बैठा जीपीएस की तरह हमारे, कह रहा है कि मेरे को ड्राइवर का बदला लेना खुद अपने स्वयं हाथों से। तो गाइस लेस्टर को सेफ रखना हमें, कहीं ये लुढ़क ना जाए हमारा लेस्टर। तो इस अब हम चलते हैं गाइस सीधा लोकेशन पे फटाफट से। चलो गाइस, अरे यार ये कैसे मुड़ गई गाड़ी, गाड़ी भी अपना अभी घूम रही है। गाइस ड्राइवर पहले पहुंच गया ना बहुत ज्यादा गड़बड़ जाएगी, क्योंकि वो ऐसे दिमाग का है वो सबको मार देगा, लड़ने लग जाएगा, उसका कोई भरोसा नहीं है कहीं वो दोबारा फंस जाए। तो इससे पहले वो पहुंचे गाइस जल्दी जल्दी हमें फटाफट से पहुंचना है। चलो गाइस ये लड़ाई कर रहे हैं आगे जाके, अब मुझे इनका साथ देना पड़ेगा और मारने पड़ेंगे बंदे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। गाइस गोली की रे अलग ही दिख रही है मेरे को भाई, कैसे मार रहे हैं गोलियां, अगर मैं जिगल ना करूँ ना तो मेरे को मार ही दे भाई। पबजी वाला बहुत काम आ रहा है यहाँ पर गेम प्ले। ड्राइवर को देखो कैसे चौड़ा हो रहा है बीच में, मतलब ड्राइवर को कोई डर ही नहीं है, बदला जब भी खुल के बदला तो ड्राइवर ही ले रहा है। और लेस्टर भी भाई क्या खुंदस दिखा रहा है, माइकल पता नहीं कहाँ चला गया, माइकल को तो देखना पड़ेगा मेरे को, माइकल मर जाए। ओ भाई कहाँ से, ओ भाई दूसरी तरफ से भी गोलियां लग रही है। ये रहा माइकल यहाँ पर फाइट कर रहा है अकेला, मैंने गैस टैंक में यहाँ पर आग लगा दिया। चलो इधर तो माइकल सेफ है, माइकल की टेंशन नहीं करो, फिर माइकल आउट हो गया। लेस्टर और भाई ड्राइवर ने क्या संभाला है यहाँ पर अलग ही, मतलब मैं तो इनसे उम्मीद नहीं करता, लेकिन भाई ड्राइवर तो क्या ही मार रहा है। ओ भाई कितनी क्वांटिटी में बंदे हैं यहाँ पर एक साथ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बंदे हैं, मेरे को कवर लेना पड़ेगा नहीं तो भाई रिलोड में ही मार देंगे मेरे को। दोनों तरफ से बंदे हैं गाइस, मुझे नहीं पता था, इतनी उम्मीद नहीं थी कि मेरे को इतने बंदे मिल जाएंगे यहाँ पर। गाइस यहाँ पर इन्हें फिनिश करते हैं फटाफट, लगता है ये साइड तो शायद क्लियर हो गई, माइकल यहाँ से जा रहा है शायद साइड क्लियर हो चुके हैं। गाइस आप क्वांटिटी देखे बंदे कैसे गद्दों की तरह बिछा दिए हैं हमने, मतलब मज़ा ही आ गया इन बंदों को मारने के लिए। चलो गाइस ऊपर से देखते हैं कितने बंदे रह गए हैं यहाँ पर चढ़ के हम। तो इसका मटका फूट गया यहाँ पर, तो गाइस फटाफट से ऊपर चढ़ के देखते हैं और ड्राइवर को भी देखना पड़ेगा और जो जो बहुत, अरे यार यहाँ पर भी गोलियाँ लग रही, कितने बंदे रह गए हैं अभी समझ में नहीं आ रहा। स्नाइपर निकालनी पड़ेगी गाइस, मेरे को ऐसा लग रहा है स्नाइपर के बिना यहाँ से मेरे को काम नहीं होगा, इससे मर ही नहीं रहा, स्नाइपर यूज करनी पड़ेगी मेरे को यहाँ पर। चलो भाई चेक करते हैं वहाँ पर, ओह मुझे लगता है पहले ही डाउन कर दिया किसी ने इसको, लास्ट शॉट मैंने दे दिया है गाइस। अब मुझे गोलियों की आवाज़ आ तो रही है लेकिन ये समझ में आ रहा बंदे कहाँ दिखने बंद हो गए हैं, और हमारे तीनों साथी कहाँ हैं, मेन हमारे तीनों साथी नहीं दिख रहे हैं मेरे को। ओहो ये कहाँ पे जा रहे हैं, ड्राइवर माइकल दोनों ही, वो लेस्टर भी इनके पीछे पीछे है। वो भाई ये भाई ड्राइवर पागल हो चुका है मेरे हिसाब से, तो गाइस सब हमने मार दिए हैं लेकिन ये पता नहीं किसको ढूंढ रहे हैं। गाइस आई थिंक ऑल डेड हो चुका है यहाँ पर, पबजी वाला यहाँ पर ऑल स्क्वाड खत्म कर दिया हमने, 100 के 100 बंदे। ये देखिए आराम से ड्राइवर भाई मर गए, सब मर गए आराम से, शांति से आओ। लेस्टर अपना इज्जत से आते हुए, उन्हें पता है उसकी टांग पहले ही खराब है लेस्टर, इसलिए आराम से आए हैं। तो गाइस अब लेस्टर ने हमें बताया कि अभी इन शॉप में से किसी शॉप में तो होगा, तो माइकल और मैं देख के आते कौन सी शॉप में कहाँ सोना है कहाँ नहीं है, क्या पता यहाँ पे कुछ हो ही ना, हमारा पागल बन गया वो ऐसी बेलास गैंग को पता लग गया, उन्होंने माल शिफ्ट कर लिया। तो गाइस देखना पड़ेगा हमें कहाँ पर है, चलो चल के देखते हैं अंदर शॉप्स में। गाइस यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, कहीं हमारा पागल तो नहीं बना दिया गया है, हट जा माइकल गुस्सा आ गया मेरे को। गाइस देखना पड़ेगा, अब दूसरी शॉप में चलते हैं फटाफट से, उम्मीद करें इसमें मिल जाए वरना भाई बहुत बुरा पागल बन जाएगा, इतने बंदों को मार दिया हमने। तो गाइस फाइनली हमें जो ढूंढना था वो मिल गया है, देख सकते हैं आप कितनी क्वांटिटी में सोना है भाई, कहाँ हाथ मारा था इस बेलास गैंग ने। ओ भाई कैश भी देख सकते हैं कितनी ज्यादा क्वांटिटी में रखा हुआ है, मतलब ऐसी इन गड्डियां फेंकी हुई है कोई इज्जत ही नहीं है, ये देख सकते हैं आप पैसे। ओ भाई कैसे घेरे हुए हैं इन्होंने पैसे। गाइस मजा ही आ गया, मतलब इससे तो बहुत दिन का कर सकते हैं हम। तो गाइस चलो हमारा ट्रक भी आ चुका है बाहर और लेस्टर भी, सब हम इकट्ठा हो चुके हैं फटाफट से। ड्राइवर ने हमें एक जगह बताई अपने वहां पे घर के पास, उसने कहा है क्या कहते हैं वहां पे एक बढ़िया डील मिल जाएगी गोल्ड की, और कैश तो हम ऐसे कैज इट इज रख सकते हैं, इसको कुछ परचेज कर लेंगे। ये देखिए लेस्टर को देखिए, बिल्कुल टारजन बना हुआ है, धूम 3 की एक्टिंग यही करेगा जाके। तो गाइस अब हम फटाफट से जो ड्राइवर ने लोकेशन बताई है ना उस पर चलते हैं, उसने कहा है क्या कहते हैं यहाँ पर हम आराम से सेल कर सकते हैं अपना गोल्ड बड़े बड़े बिजनेसमैन से, और वो अमाउंट भी अच्छी दे देते हैं। तो गाइस चेक करते हैं जाके हम फटाफट से कि
सही में सही अमाउंट मिलेगी या नहीं मिलेगी हमें। हट जा मैडम हट जा, ये मैडम जबरदस्ती की मर गई। ये ट्रक गाइस बहुत मुश्किल है, और लोड हो चुका है तो और भारी हो चुका है ट्रक। ये गाड़ी वाला अंधा है क्या? लेस्टर गिरवा दिया इन्हें जबरदस्ती का, हमारे बुढ़ा आदमी को मरवाओगे क्या तुम? लेस्टर भाई टंग जा, तुझे लेस्टर को अंदर बैठना चाहिए था, माइकल बैठ गया अंदर। चलो भाई लेस्टर सर हमारे लटक चुके हैं पीछे। लेस्टर पे मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही है, लटका हुआ है। ड्राइवर तो चलो है ही ऐसा आदमी, लेकिन लेस्टर तो कुछ ज्यादा ही है गाइस। बहुत मुश्किल से कट लग रहे हैं इस ट्रक में, और लोडेड के बाद तो कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो रही है मेरे को इसमें कट मारने में। चलो गाइस चलते हैं फटाफट से, ड्राइवर ने जो लोकेशन बताई है काफी दूर है यहाँ से, टाइम लगेगा हमें जाने में। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जो भी वीडियो देख रहा है गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा लें, और लाइक कर दें वीडियो को, और शेयर कर दें गाइस दबा के, थोड़ा प्यार दिखाएं अपना। तो गाइस हम जंगल से मिस तो पहुंच चुके हैं ट्रैवर के वहाँ जहाँ ट्रैवर रहता है। अब देखते हैं गाइस यहाँ से हमें कहाँ जाना है, कितनी दूर, थोड़ा ही दूर दिख रहा है मेरे को जैसे कि मैं मैप में देख पा रहा हूँ, ज़्यादा दूर लग नहीं रहा है यहाँ से। इसकी एंट्रेंस कहाँ पर देखनी पड़ेगी गाइस अंदर की ओर। तो गाइस चलो अब हम अंदर एंटर कर चुके हैं, लेस्टर हमारा सेफ है लटका हुआ पीछे। अब इसको हम पार्क कर देते हैं एक बार अंदर ले जाके सेफली। ड्राइवर ने रास्ते में ही फ़ोन कर दिया था उनको, बिजनेसमैन को जिन्हें गोल्ड की हमसे डील करनी है। तो गाइस देखते हैं हम क्या डील मिलती है हमें यहाँ पर। चलो गाइस हमारे सामने आ चुके हैं बिजनेसमैन, इन्होंने हमें प्राइस तो सही बताया, ठीक ही लग रहा। तो गाइस सेल कर देते हैं हम, 20 मिलियन डॉलर में हमने गोल्ड सेल कर दिया, और 10 मिलियन डॉलर गाइस कैश था वो, तो मतलब 30 मिलियन डॉलर का प्रॉफिट हो चुका है गाइस। चलो तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं आपको। सत श्री अकाल, राम राम, अगली वीडियो के लिए तैयार रहें, धमाकेदार आने वाला है कुछ। चलो गाइस बाय बाय।